जुगनुओं तुम्हें नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुम्हें नए चांद उगाने होंगे इससे पहले कि अंधेरे की हुकूमत हो जाए। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों के बीच एक ऐसे युवा पत्रकार को लाने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में अपने लिखने की जो उनके अंदर चाह थी, जो कलम की ताकत थी, उससे संपूर्ण समाज को जगाया है। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और हमारे हक और आवाज़ की लड़ाई को, हमारे हक और अधिकार के लिए हमेशा समाज के साथ खड़ा होता है, हमारे समाज का दर्पण होता है। तो आइए मिलते हैं बीरपुर प्रखंड के सहारा अखबार से जुड़े हुए प्रखंड पत्रकार सुमन जी से। नमस्कार सुमन जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, हम सुमन जी बीरपुर से राष्ट्रीय सहारा पत्रकार, केवी स्टूडियो को बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें इस मंच पर लाया है कुछ बोलने के लिए। मैं भी वर्तमान में राष्ट्रीय सहारा संवाददाता बीरपुर के रूप में कार्यरत हूँ। सुमन जी, आप सहारा के पत्रकार हैं, आज हमारे इसके भी स्टूडियो में आपने समय दिया है, अपने विचार रख रहे हैं हमें। हम चाहेंगे सर्वप्रथम आप यहाँ से हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मैं इसके भी स्टूडियो और ख़ास करके डॉक्टर जो कि भगवान के दूसरा रूप होते हैं, मैं रोशन सर को तहे दिल से शुभकामनाएं, बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूं और पूरे केवी स्टूडियो को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने हम जैसे युवाओं सहित कई लोगों को इस मंच तक लाया अपनी बात को रखने के लिए। मैं सर को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करना चाहता हूं। मैं मुख्य रूप से पढ़ाई के साथ साथ पत्रकारिता का कार्य कर रहा हूँ। हम बीरपुर से आते हैं और बीरपुर से ही संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं राष्ट्रीय सहारा से, और लोगों का, अमजानस का, सभी लोगों का मेरे ऊपर प्यार है। हम एक बेहतरीन और निष्पक्ष पत्रकारिता बीरपुर से कर रहा हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी छोटे से किसान भी हैं और ग्रामीण चिकित्सक का भी कार्य करते हैं। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी रुचि रही, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, क्या बचपन से आपका यही सपना था? देखिए निश्चित रूप से गौरव जी, हम आपको कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता मुझे एक शौक था। मैं बचपन से ही कुछ लिखने के लिए जानता था, कुछ लिखने का पसंद था। सोशल मीडिया का युग आया, मैंने फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कुछ न कुछ अच्छा लिखता था। हमारे भगवानपुर से इसी अखबार में हमारे भैया जी हैं मृत्युंजय जी, उन्होंने मुझे कहा कि बाबू तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम इस लाइन में आना चाहते हो? मैंने कहा अगर मुझे अच्छी प्लेटफॉर्म मिले पत्रकारिता के माध्यम से और पूरे जनमानस के माध्यम से मुझे अच्छा विचार मिले, प्यार मिले, स्वभाव मिले, तो मैं निश्चित रूप से इसमें आऊँगा और निश्चित रूप से लोगों का समाज सेवा करूँगा। इसलिए मैंने इसको चूज किया, इसमें निश्चित रूप से मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे आम जनमानस का प्यार मिल रहा है कि तुम बाबू बेहतर लिख रहे हो जिससे समाज का विकास हो रहा है। अच्छा सुमन जी, जो युवा, चूंकि मैं जानना चाहूँगा, चूंकि आप एक पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, जो युवा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं या संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनका जो संभावना है, उनका जो भविष्य है, कैसे वो एक अच्छे पत्रकार के रूप में आगे बढ़ सकते हैं? निश्चित रूप से ये बेहतरीन सवाल है और देश के लिए भी ये सबसे कर्मधार युवक जिसको बोलते हैं, आपने बेहतरीन सवाल रखा है मेरे सामने कि अगर कोई युवक इस पत्रकारिता के माध्यम से जुड़कर समाज का भलाई, समाज का उत्थान करना चाहते हैं, तो मैं उन युवाओं को सम्मान देना चाहूँगा और वो निश्चित रूप से हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और हम निश्चित रूप से जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं अपने क्षेत्र से, वह भी कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म उन्हें मिलेंगे, क्योंकि ज़िले के जितने भी पत्रकार भाई हैं, भाई बहनों हैं, उनसे मेरा निश्चित रूप से विनती रहता है, निवेदन रहता है कि वह हम जैसे युवकों को पत्रकारिता में लाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इतने कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र है आपकी, पढ़ाई भी चल रही है आपकी, उसके बाद सहारा जैसे प्रतिष्ठित पेपर से आपका संपर्क हुआ, समाचार पत्र से जुड़ा हुआ आपका, उसके आप पत्रकार हैं, तो कहीं ना कहीं क्या चुनौती रही आपके लिए? निश्चित रूप से देखिए, ये तो एक पत्रकारिता थोड़ा सा चुनौती लगता है, विभिन्न तरहों के लोगों से दर्शन होती है, चाहे वह गलत प्रवृत्ति को हो, अच्छे प्रवृत्ति को हो, समान प्रवृत्ति को हो, या किसी भी मैटर पे, ये कहीं ना कहीं
ये एक मंच होती है पत्रकारिता का। गलत लोग भी सामने आते हैं, अच्छे लोग भी सामने आते हैं, छात्र भी सामने आते हैं। बस मेरी एक रुचि रही है और मेरी एक इच्छा हुई है कि मैं उन सभी लोगों से मिलूंगा और मिलने का एक अलग अलग तजुर्बा होती है। ताकि ये तो चुनौतीपूर्ण है, जैसे आप मान लिया जाए कि किसी कोई गलत आदमी से बातचीत हो गई तो उनके साथ मेरे भावना जो है, मैं किस तरह से उससे बात करूँ, ये मैं डील करता हूँ ताकि मुझे चुनौती ना लगे और वो मुझे कुछ कहे नहीं। इसीलिए मैं खुद उसको डील कर लेता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं, ये गलत लोग हैं, ये छात्र हैं, ये छात्राएं हैं, ये युवक हैं। हम एक अपने स्तर से उसको डील करते हैं। ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आप कैसे लोग हैं, वो कैसा व्यक्ति है, उसके साथ किस तरह से बात करना है, ये डील कर लेता। अच्छा, पत्रकार हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार हुए, चूँकि जो पत्रकारिता है वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारे समाज का दर्पण है। बिल्कुल, यूं कहें कि संपूर्ण समाज को जो सच्चाई से रूबरू कराता है वो कहीं ना कहीं पत्रकार के दम से ही होता है। बिल्कुल। तो आपके आदर्श, चूंकि पत्रकार के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, तो आप, चूंकि आपका अपना व्यक्तिगत सोच क्या है कि आपके आदर्श कौन है पत्रकारिता में? हमारे आदर्श, देखिए निश्चित रूप से जिले के जो भी पत्रकार हैं, जो भी पत्रकार बहन जी हैं, सभी हमारे लिए आदर्श हैं। हम किन्हीं को अपना आदर्श मानते नहीं हैं, सभी हमारे लिए आदर्श हैं। हम अब कहेंगे कि मान लिया जाए कि गौरव जी ही हमारे आदर्श हैं तो दूसरे लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है। व्यक्तिगत में किसी एक का नहीं, आप सबसे कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। बिल्कुल, सभी लोगों से, सभी लोगों का प्यार सम्मान, तब तो मैं इस रंगमंच पर आया हूँ और लोग मुझे चाह रहे हैं। यानी सबको आप, सबका सबका सम्मान, सबका सम्मान, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा सुमन जी, आप प्रिंट मीडिया से हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं मैं, मुझे याद है कि मतलब जब मैं छोटा था, यूं कहें कि मैं खुद, मुझे काफ़ी लगाव रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, और हमारा समाचार पत्र जो है दैनिक जीवन में भी और यूं कहें कि भविष्य में भी हमें बहुत मदद करता है। लेकिन प्रिंट मीडिया का जो प्रचलन पहले देखा जाता था, जो उसके प्रति लोगों की चाह होती थी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनका महत्व कम गया है, ऐसा नहीं है। मेरा यह प्रश्न है आपसे कि उनके प्रति जो लोगों का चाह होता था, सुबह का चाय और चाय के साथ वो अखबार, आज कहीं ना कहीं जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है या सोशल मीडिया आया है, तब से उसके प्रति जो लोग, आम जनमानस का जो रुझान है, कहीं ना कहीं उसमें आपको नहीं लगता कि कुछ कमी आई है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, मैं बताता हूँ। देखिए पत्रकार, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पत्रकारिता का क्या मूल रूप है, क्योंकि जिस मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया के संदर्भ में देखिए बताते हैं ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम पत्रकारिता कहलाती है। मैंने बचपन से ही किताब में पढ़ा था कि पत्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी अखबार को सरकार ने इसलिए मान्यता दी है कि गांव, कस्बे, मोहल्ले, टोले का भी खबर प्रकाशित हो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार इसलिए चलाई है कि उसमें मान लिया जाए कि जिले का खबर चल रहा है, गांव का खबर नहीं चल रहा। तो अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे एबीपी आज तक सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोगों का निश्चित रूप से अपने अपने स्तर पे सभी काम कर रहे हैं। हाँ, क्या बोले? अपने अपने स्तर पे सभी काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सभी लोग निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, किसी को ऐसा ना लग रहा है कि आम जनमानस को भी हमारे ख्याल से नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ, और सारे लोग बिल्कुल सही हैं, 100% सही है। नहीं, मेरा यह प्रश्न नहीं है, मैं किसी को कमतर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल। मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने दृष्टिकोण से भी देखिए। हाँ। कि जैसे अखबार जो हर घर में अखबार होता, बिल्कुल बिल्कुल होता है। आज कहीं ना कहीं उसके प्रति लोगों का रुझान कम है। रुझान कम है, बताते हैं। देखिए दो प्रकार के मीडिया होते हैं, तीसरा मीडिया ये आ गए कि सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया अब मोबाइल का, लोगों के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, वो लोग रखते हैं और निश्चित रूप से देख लेते हैं फेसबुक पर कि फलना की ये हुआ, ये यहाँ आया, ये स्टूडियो यहाँ खुला, ये निश्चित रूप से मोबाइल में आ गया। लोग सोचते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, समय का अभाव है, मैं उसे खोलकर ही देख लेता। लेकिन अब भी जितना अखबार का महत्व है, उतना तो सोशल मीडिया का महत्व नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है। जैसे निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि दो दिनों पूर्व या कल ही कहा जाए कि बिहार की कोकिला, जी शारदा सिन्हा का खबर अफवाह के रूप में फैला दिया सोशल मीडिया पे कि उनका निधन हो गया, वो भी किसके चलते, तो कोरोना वायरस के, कोविड-19। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए अब भी अखबार
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व है। अच्छा, सोशल मीडिया के संदर्भ में आपने बात कही, बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संदर्भ में भी आया था कि उनका देहांत हो गया है। या इस तरह की अफवाहें, कहीं भगदड़, कहीं बाढ़, कहीं इस तरह की जो दुर्घटनाएं या किस तरह के जो मतलब भ्रम फैलाए जा रहे हैं लोगों में, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, चूंकि मैं एक पक्ष तो आपने रखा, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हम तुरंत बहुत ही कम समय में बहुत सारी जानकारियों को भी साझा कर लेते हैं, एक ये भी एक उसका एक पक्ष है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रचलन लोगों में बढ़ा है, तो सोशल मीडिया के संदर्भ में एज ए पत्रकार आपने एक बात तो कही बिल्कुल सही है, उस पक्ष को भी आप रखिएगा। तो यूं कहा जाए तो कुल मिला के सोशल मीडिया ने मानव के जीवन में, चूंकि आधुनिक मानव के जीवन में क्या परिवर्तन लाया, अमूलचूल परिवर्तन। देखिए, विज्ञान वरदान है और अभिशाप दोनों है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का कुछ लोग गैरवाजिब उपयोग कर रहे हैं, जो ये दिमाग में बैठाए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो ये दिमाग में बैठाए हुए हैं कि हमको अफवाहों का बाजार खोलना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर ही नए नए तरीकों को आयाम देते हैं जिससे लोग पढ़ें और उनकी चाहत में बैठें। जैसे नहीं कहता है लोग कि फेसबुक पर मुझे 1K मिल गया, 1K मिल गया। क्यों उनको 1K मिला? क्योंकि उनको लोगों ने चाहा, वो अच्छी खबर देते होंगे सोशल मीडिया के ही माध्यम से, अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे विचार रखे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से उभरते हुए कलाकार ऊपर तक उनका मंच मिला है। बहुत बहुत आज के भी स्टूडियो को ही देख लिया जाए, हमारे इस स्टूडियो को निश्चित रूप से सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म अच्छा है, जो दर्शकों को काफी प्यार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, के भी स्टूडियो आज बहुत सारे प्रफुल्लित हो रहा, आगे बढ़ रहा, ये बहुत ही खुशी की बात है बेगूसराय जिले के लिए। ये भी एक सोशल मीडिया का अंग है, क्योंकि ये अफवाहों का बाजार नहीं खोल रही है, ये युवाओं को प्लेटफॉर्म दे रही है, हम जैसे युवाओं को कुछ बोलने का मौका दे रही है इस बेगूसराय की धरती पर। जो आप पत्रकार की नज़र से जो भी कहना चाह रहे, जो कि हमारा ये कहना है कि पत्रकारिता पर यह तरह से सवाल उठते रहे हैं, पत्रकार पर भी निष्पक्षता को लेके, कि निष्पक्ष पत्रकारिता के संदर्भ में समय समय पे देश में पूरा जो है माहौल गर्म हो जाता है, लोग तरह तरह के विचार देते हैं, तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष पत्रकारिता के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा आप अपने दिल में और दिमाग में बैठाए रखिए कि पत्रकार जो भी हैं वह निष्पक्षता ही काम करते हैं, निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। उन्हें कोई राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो, उनका तुलना नहीं करना। उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो काम है, वो निश्चित रूप से करते हैं। जो लोगों को शिक्षा का अभाव है, पहले क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, अब क्या है, जो बच्चे जन्म लिए उन्हें शिक्षा चाहिए। तो कुछ लोगों को शिक्षा का अभाव है, जिस कारण वो पत्रकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन पत्रकार निश्चित रूप से निष्पक्ष हैं। तब तो आज देखते होंगे कि हमारे बेगूसराय के लाल अजीत अंजुम, जो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार, वह भी तो बेगूसराय की धरती पे, हम जो कि आज तक मैं इस लाइन में पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया हूँ, बशर्ते एक लिखने का अलग तजु, जैसे नहीं बोलते हैं आप, एक लैब होता है और एक क्या होता है, आदत होगी आपको लिखने का, तो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मैं निष्पक्ष रूप से आप लोगों के सामने उस प्रखंड से संवाददाता के रूप में निष्पक्ष काम कर रहा हूँ। मुझे तो कहीं परेशानी नहीं यार, क्योंकि मैं लोगों के आम जनमानस से बातचीत करते हुए, उनसे भाव मौन विभोर लेते हुए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अफवाह का बाजार गर्म रहता है, ऐसा बात नहीं है कि पत्रकार पर आरोप नहीं लग रहा, पत्रकार पर आरोप लग रहा है, वही व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ है कैसे देश और समाज में कुछ ऐसे भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पर हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जी लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जब तक थोड़ा सा यूं कहा जाए कि कहीं अगर आग थोड़ा सा है नहीं तो धुआं नहीं उठे, ऐसा तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी हैं कि आज व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए कहीं ना कहीं इसकी मर्यादा को भी थोड़ा सा तार तार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है पत्रकार के ख्याल से, मैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से ऐसा नहीं कहूँगा कि ये तार तार किया जा रहा है। निश्चित रूप से सब लोगों का अपना अपना सोच है, वो अपने सोच से चलते हैं, जो इसकी प्रतिष्ठा रही है, चूंकि यही समाज का वजूद है, इसी से समाज टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुख्य रूप से लोकतंत्र के जो तीन प्रमुख स्तंभ, चौथा भी स्तंभ वो मीडिया है, तीन स्तंभ हैं वो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। जब ये तीनों स्तंभ डगमगाती है ना, तो वो चौथा स्तंभ जिसको मीडिया बोलते हैं वही सही करती है, ठीक करती है।
तो लोगों का अपना सोच है, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब हम ये बताते हैं कि क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी क्षेत्र काम कर रहे हैं, जो भी शाखाएं, सब पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मैं इसे सीधे से खारिज कर रहा हूँ कि मीडिया निश्चित रूप से निष्पक्ष हैं, इन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जाए, लेकिन कुछ लोगों का सोच है जो इन पर आरोप लगाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, ये आपके अपने विचार हो सकते हैं और हमारे, हम भी यही चाहते हैं कि जो आपने विचार रखे हैं, हमारा जो, हम सम्मान करते हैं सभी, चूँकि इस क्षेत्र में जो भी निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। पत्रकारिता, पहले ही आपको मैंने बताया कि यह लोकतंत्र का आधार है, हम समाज, हमारे संपूर्ण समाज का जो वजूद है इस पे टिका हुआ है, और वह सच दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यूं ही हम सबों को प्रेरित करते रहे, जागरूक करते रहे। निश्चित रूप से हमारे जितने भी पत्रकार के टीम है, जिस भी चीज, वो पत्रकारिता के जिस भी आयाम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जहां भी हैं, सभी समाज को जगाते रहे। अच्छा, बिल्कुल, सभी समाज में जहां रोशनी नहीं है, उस समाज में जहां रोशनी नहीं है, वहां पत्रकार पहुंचकर अपने समाचार पत्र पर, अपने चैनल पर दिखाते हैं कि उस कोने में रोशनी नहीं है, उस कोने में दिए नहीं जल रहे हैं। अच्छा, वो अपने माध्यम से दर्शाते हैं और वहाँ दिए जलते हैं, मैंने दिए को जलते हुए देखा है। समाज में अंधेरे को दूर करते रहे पत्रकार, बिल्कुल और बिल्कुल, रोशनी हर जगह फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वे पत्रकारिता आए दिन देखा जा रहा है कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, या जिनके पास ज्ञान का अभाव है, यूं कहें कि अनुभव भी नहीं है उनके पास, या ऐसे ही बस मुंह उठाए चले जाते हैं। मैं सबके बारे में तो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है वे पत्रकारिता में, कहीं ना कहीं इससे आपको नहीं लगता कि जो पत्रकारिता है उसके साख पर थोड़ा सा, कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास था उसके साख पर कहीं ना कहीं प्रश्न लग खड़ा हुआ है जब से वैध पत्रकारिता आई है? गौरव जी, आपका सवाल बेहतरीन है। मैं एक पत्रकार होने के नाते सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से सम्मान है, और मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी वेब पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष रूप से समाज को जगाते रहे, और जो भी खबर, जैसे अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, उस खबर से बचकर, अपने स्तर से उस खबर की पुष्टि कर आप खबर को चलाएं। हमारे तरफ से वेब पत्रकार भाइयों का भी सम्मान है, वे पत्रकार बहनों का भी सम्मान। मेरा ये कहना है कि वे पत्रकारिता ने एक मंच दिया है जो कि गांव गांव तक, गली गली तक, मतलब आम जनमानस को जोड़ने का, मतलब खबर को फैलाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं उन पे सवाल ये नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये नहीं है कि कहीं ना कहीं उनका जो मानक है, मानकता है, वो उसको जांच लें, बिल्कुल सच्चाई को जांच लें। बिल्कुल, वही ना, अपने स्तर से जो भी वो खबर चला रहे हैं, वे पत्रकार बंधु जो भी हैं, बहना जो भी हैं, निष्पक्ष रूप से वो काम कर रहे हैं, मैं इसमें कोई दो मत नहीं है, वो निष्पक्षता रूप से ही काम कर रहे हैं, किन्हीं पे ये नहीं कर रहे हैं कि वो है ये है, किन्हीं का पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। बशर्ते उनसे मेरा एक अपील होगा कि अगर वो अपने स्तर से कोई भी खबर को चला रहे हैं, वह जाँच कर लें, परख लें, तब उस खबर को प्रकाशित। अच्छा, पत्रकार के रूप में हमारा बिहार आज भी शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही, सबसे यूं कहें कि सभी राज्यों में सबसे पीछे है। देखिए, जबकि एक ऐसा समय था कि हमारा बिहार विश्व को ज्ञान देने वाला था, नालंदा विश्वविद्यालय हमारा गौरव था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए पत्रकार शिक्षा के संदर्भ में, खास करके विशेषकर बिहार की शिक्षा के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के, मैंने पढ़ा था दसवीं में, शायद ये भूल रहा हूँ कि कौन सा बुक था, शायद ज्योग्राफी था, उसमें पढ़ा था कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण। हाँ हाँ, बिहार के पिछड़ेपन का कारण, क्लास टेंथ का भी, क्लास टेंथ का था ये, दसवीं में 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा करती थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी, तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, और उसमें अब सबसे बड़ा कारण शिक्षा का है, पिछड़ेपन का। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी है, जो शिक्षा का उतना बजट आगे नहीं बढ़ रहा है, लोग आगे, लेकिन बिहार की यह गौरवान्वित धरती है जहां एक से एक मेधावी छात्र हैं, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अगर हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, हम अपने भाई को अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, समाज को अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, तब यही बिहार पुनः भारत के दृष्टिकोण में प्रथम स्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से हम सभी चाहते हैं कि जो शिक्षा बजट
जो हमारे देश का अभी उसकी नई शिक्षा नीति आई है उसमें कहा भी गया कि देश के बजट कुल बजट का 6% जो है शिक्षा पर खर्च होगा, और हम सभी चाहते हो भी ऐसा और सबको शिक्षा मिले और जो सुंदर शिक्षा मिले, सबको समान शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि यहाँ का विकास हो। अच्छा, जो पत्र युवा हमारे जो भी युवा साथी यहाँ से आपको सुन पा रहे होंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशते हैं, भविष्य में पत्रकार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप उन्हें कैसे प्रेरणा देना चाहेंगे, कैसे वो पत्रकार बने, इसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? निश्चित रूप से अगर कोई भी युवक पत्रकारिता में अपना भूमिका निभाना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खुली हुई है। वो निश्चित रूप से हमारे जैसे निष्पक्ष पत्रकार बन के ज़िले में जो भी निष्पक्ष पत्रकार हैं उनके एक और संख्या बढ़ जाएगी। जैसे मान लिया जाए कि हमको आंकड़ा ये नहीं पता है कि इतने पत्रकार उसमें आप उनको जो उनकी योग्यता है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो किस तरह से वो उस क्षेत्र में आए? बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं ना, वो क्षेत्र में आएंगे इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम बता रहे हैं कि अगर वो इसमें भविष्य तलाश रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई भी युवक अगर इस पत्रकारिता के लाइन से जुड़ना चाह रहे हैं तो वह पढ़ाई के साथ साथ मॉस कम्युनिकेशन कर ले, अच्छी पत्रकारिता करें। अगर प्रिंट मीडिया में ही अपना सपना संवारना चाहते हैं तो वो बिना कोर्स किए भी आ सकते हैं। जैसे मैं खुद कोर्स नहीं किया हूँ लेकिन मुझे एक लिखने की अच्छी कला है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा और हमें पूरे ज़िले के लोगों ने मुझे चाहा, जिस कारण आज हम 3 साल से प्रखंड संवाददाता के रूप में कार्य। अच्छा, युवा, क्योंकि आप भी युवा हैं और हमारा भारत संपूर्ण विश्व का सबसे युवा देश है। बिल्कुल, युवा में काफी संभावनाएं होती हैं, ऊर्जा का असीम भंडार होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बसरते जरूरी है क्या कि उनकी सकारात्मकता, उनकी सोच समाज निर्माण की हो, राष्ट्र निर्माण की हो। बिल्कुल, और चूंकि आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि हमारे जो युवा हैं कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध में फंसकर अपने देश और समाज से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें अपने स्वार्थ की चिंता है और कहीं ना कहीं राह भटक गए हैं, तो उन युवाओं को देश और राष्ट्र के निर्माण में जोड़ने के लिए पत्रकार के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सर्वप्रथम यह है कि पत्रकारिता के माध्यम से हम उन युवाओं को यही अपील करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से वैसे युवा जो भटक रहे हैं, जो मान लिया जाए कि तंबाकू का शिकार हो गए, नशा का शिकार हो गए, और एक निकोटीन होता है जो हमारे मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियों को घुमा देती है, जो मस्तिष्क में न्यूरॉन का जो कार्य करता है, न्यूरॉन जो कार्य करता है, किसी प्रकार का वो नशा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, उनका मस्तिष्क घुमा देता है, माथा घुमा देता है और वो गलत लाइन में चले जाते हैं। सर्वप्रथम उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है। अगर जिनके पास अगर बेहतरीन शिक्षा होगी, वो अगर अच्छी तरह मेहनत से पढ़े होंगे तो वो नहीं भटकेंगे। अभी क्या है गौरव जी, आप एक चीज़ समझ लीजिए, पहले ये था रोटी कपड़ा और मकान, अभी बच्चे जन्म लें और उन्हें अपार भंडार शिक्षा चाहिए, पूरी शिक्षा चाहिए, वो नहीं भटकेंगे। चलिए, केवी स्टूडियो, केवी स्टूडियो तो लगातार एक ऐसा मंच डॉक्टर रोशन सर की ऐसी परिकल्पना आज साकार रूप लेती हुई कि जहां पर आप जैसे पत्रकार, खिलाड़ी जी जी, बहुत सारे युवा साथी, समाज सेवी जी, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे अभिभावक हैं, जो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, समाज सेवा में उनकी रुचि है, बिल्कुल बिल्कुल, किसान, जवान, चिकित्सक, साहित्य प्रेमी, यानी बहुत विधाओं में, अलग विधाओं में जिन्होंने योगदान किया है, समाज के लिए कुछ करने की चाहत है, या हमारे बेगूसराय की परिदृश्य को अपनी सोच से बदलना चाहते हैं, उनके सोच को सबसे साझा करने के लिए कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में हम सब एक साथ यहाँ मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे चूंकि आप पत्रकार हैं, क्या कहना चाहेंगे रोशन सर और उनकी पूरी टीम के बारे में? रोशन सर के बारे में अगर हम ज़्यादा बोलता हूँ तो वो पूरे जनमानस जान रही है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं हो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। पत्रकार का मुख्य काम है सुनना और सुन के लिखना। प्रिंट मीडिया में जब से मैं कार्यरत हूँ मैं लोगों का भाव विभोर जानता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे हैं, ग्रामीण क्या बता रहे हैं, ग्रामीण सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार हम लोग ये। तो रोशन सर, सर्वप्रथम वो तो भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर, वो हर हमेशा चाहेंगे कि समाज का भलाई हो, समाज का विकास हो, इसलिए केवी स्टूडियो को उन्होंने खोलकर यहाँ के युवाओं और जो भी लोग बढ़ना चाहते हैं, अपने मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, इस केवी स्टूडियो के माध्यम से जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बात ये आगे जाएगी, वो लोग सुनेंगे, उसके बाद वो सुनेंगे और मैं आगे बढ़ूँगा,
ये केवी स्टूडियो को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मुझे इस मंच पर लाया, इसके लिए रोशन सर और पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप चूंकि पत्रकार हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने समय निकाला और अपने विचार हमारे इस स्टूडियो में साझा किया, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। तो अभी आपने सुना सुमन जी को, सहारा के पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र से समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज की सच्चाई हम सबों के सामने ला रहे हैं। केवी स्टूडियो भी बिल्कुल उसी तरह का है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में तरह तरह के विचारों से हमें लाभान्वित कर रहा है, हम सबों को जोड़ रहा है और हमारे बेगूसराय के विकास में अपना योगदान कर रहा है। तो आप सबसे भी अनुरोध होगा कि आप सब भी इसे अपना प्यार दें, इसका साथ दें, समर्थन दें। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन कुमार के फेसबुक आईडी पर एक पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप उसको अधिक से अधिक फॉलो करें और हम सबों को इस मुहिम में अपने वैचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम से, समर्थन के माध्यम से सहयोग दें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुमन कुमार, घर बीरपुर और सहारा समाचार पत्र से प्रखंड संवाददाता भी हूँ। मैं सर्वप्रथम ये शुरू से ही आया और बहुत दिनों से मैं डॉक्टर रोशन सर को जानता था। ये भगवान का दूसरा रूप हुए डॉक्टर, जिन्होंने इस मंच तक हम जैसे युवाओं को यहाँ लाया और अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, केवी स्टूडियो का एक यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें। और डॉक्टर रोशन सर का जो फेसबुक पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उसे भी शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।